नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश और टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम टाइप करते समय अलग अलग सिंबल और इक्वेशंस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। अगर आप मैथ्स टीचर हैं और पावर पॉइंट में कुछ आप एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कुछ मटेरियल बना रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है जिससे हम मैथमेटिक्स के आने वाले अंदर जो इक्वेशंस है या जो सिंबल्स है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया है और इंसर्ट पे क्लिक कर मुझे जाना है इक्वेशन और सिंबल पर। अगर यहाँ क्लिक होता है तो ये सिंबल का जो आइकॉन होता है वो एक्टिवेट होता है, अदरवाइज वो एक्टिवेट डीम होता है। तो मैंने क्लिक किया तो दोनों आइकॉन यहाँ पे हाईलाइट हो गए जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। पहले मैं दिखा दूँ कि सिंबल्स में क्या क्या है। सिंबल्स में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है मैथमेटिक ऑपरेशंस के जो भी हमें टाइप करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सारे आइकॉन्स यहाँ पर है। इसको हम क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड आइकॉन है जिसको हम सोचते हैं कि ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये यहाँ मौजूद होते हैं इन सिंबल्स में। इस तरह से यहाँ पे हम कोई भी आइकॉन सिंबल यहाँ पर मैथमेटिक्स का इंसर्ट कर सकते हैं। क्लोज। और बाकी के जिस तरह से हम फॉर्म फॉन्ट बढ़ाते हैं, कम कर से कलर कर सकते हैं, ये सारी चीजें इन सिंबल्स पे भी कर सकते हैं। ये इंसर्ट मेन्यू में होता है सिंबल। अब दूसरा जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इक्वेशन का, जो अलग अलग मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल में जो अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो टाइप करना मुश्किल होते हैं। यहाँ पे कुछ सैंपल दिए हुए हैं, अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से यह इंसर्ट हो गया है। अगर इसको हम एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं। इस तरह से जो भी नंबर हमें एडिट करना है उस नंबर पर जाकर हमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं बैक स्पेस दिया हूँ और इस तरह से इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो एक अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है, हम कंफ्यूज होते हैं किस तरह को इनको ऊपर रखे नीचे रखे, तो ये पूरा इंसर्ट में सारे ऑप्शन यहाँ पे इक्वेशन में होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सैंपल इन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अलग भी कुछ इंसर्ट न्यू इक्वेशन में भी है। आप देखेंगे कि पूरी तरह से एक पैनल खुल गया है जिसमें अलग अलग सिंबल्स है जिनको हम इंसर्ट करके इसमें मैथमेटिक्स के जो एग्जाम्पल्स है उसमें यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाकर इक्वेशन में, इंसर्ट न्यू इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, अब अलग अलग देख सकते हैं। जब ये डॉटेड लाइन है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ब्लैंक है, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें टाइप करना होगा उस पर क्लिक कीजिए और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ नंबर के साथ। इस तरह से टाइपिंग आसान बन जाता है। जिस तरह का भी जिस का आपको लिखना होगा वो आप इंसर्ट कीजिए वो फॉर्मेट, और यहाँ का हर एक लेटर हर एक नंबर आप रिप्लेस कर सकते हो डिलीट करके। हम चाहे जो नंबर या लेटर जो यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग इक्वेशन है, आप यहाँ से जाकर एक मैथ्स के अच्छे लेसन के लिए आप देख सकते हैं। फ्रैक्शन अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, स्क्रिप्ट है तो इस पर क्लिक कीजिए। हम चाहे जो इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट कर ले उसको हम एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, नंबर या लेटर बदल सकते हैं। तो ये सारे आप देखिए, ब्रैकेट्स के ऑप्शन है, साइन के ऑप्शन है, इस तरह से अलग अलग सारे ऑप्शन यहाँ पर है। जो भी हम इंसर्ट करेंगे उसको हम एडिट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे, सारे ऑप्शन आप ब्राउज कीजिए, उनको इंसर्ट कीजिए और उनको एडिट कर दीजिए। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इंसर्ट मेन्यू में हमें इक्वेशन और सिंबल, इन दोनों की मदद से अलग अलग प्रॉब्लम जो है हम अच्छे तरह से पूरी तरह से फॉर्मेट में टाइप कर सकते हैं। इसको आप यूज कीजिए और मैथमेटिक्स के अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।